खड़खड़ाता रहता है ताकि तोते डर कर उड़ जाएं। अब वो बेचारा चौकीदार क्या करे, बाग के बीच में बैठ जाता है किसी पेड़ के नीचे और रस्सी बांध लेता है किसी ऊंची डाल पर, उस खाली कनस्तर को बांध देता है और नीचे बैठकर उस रस्सी को खींचता खींच करके उस कनस्तर को खड़खड़ा बजाता रहता है ताकि तोते जो है डर करके उड़ जाएं। वह चिल्ला भी सकता है लेकिन उसकी आवाज पन्नों जैसे हरे तोतों की चीख से होड़ नहीं ले सकती। तोते अपने पंख फैलाए अमराई के चारों ओर उड़ते हैं और फिर सबसे ऊंची डाल पर जा बैठते हैं। यानी वह चिल्ला भी सकता है लेकिन उसकी आवाज उन हरे तोतों की चीख से सुनाई नहीं देती है, और तोते जो है वो अपने पंख फैला करके उस आम के बगीचों के चारों तरफ उड़ते रहते हैं और फिर वो आम के पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल है उस पर जा बैठते हैं। तो ये पाठ किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। तो बच्चों ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।